पूरे झारखंड में कोरोना का ग्रोथ रेट 0.93% हो गया है। जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोग अब कोविड जांच केंद्र में खुद जांच कराने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। रांची के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल रेलवे स्टेशन जिला स्कूल परिसर में कोविड-19 जांच केंद्र बनाया गया है। बिरसा मुंडा बस टर्मिनल के जांच केंद्र में प्रतिदिन 200 से 250 सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात ये है कि अगल बगल के रहने वाले लोग सैंपल देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। पॉजिटिव केस का दायरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे RT-PCR एंटीजन दोनों का टेस्ट हो रहा है। लगभग 200 कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसमें पॉजिटिव केसेस काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं एंटीजन, क्योंकि हम लोग एंटीजन का ही पॉजिटिव फिलहाल बता सकते हैं। RT-PCR का रिपोर्ट आने में तो 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। तो खास करके यहाँ के जो लोकलाइट्स है, जो आसपास के एरिया के हैं, वो लोग यहाँ खास करके आते हैं। फिलहाल अभी आ रहे केसेस बढ़ रहा है तो टेस्ट कराने के लिए, तो वो लोग काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। बाहर वाले तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ के जो है लोकलाइट्स, वो काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है उनका रिपोर्ट। रांची के जिला स्कूल कैंपस में एक बार फिर से कोविड-19 केंद्र बनाया गया है। पिछले 5 दिनों से यहां जांच केंद्र प्रतिदिन 150 से 200 सैंपल कलेक्ट कर रहा है। पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, लेकिन पॉजिटिव कम आ रहा है अभी तक। बाहर से भी आते हैं, अगल बगल के आते हैं, जिनको पता है वो आते हैं और कराते हैं, डेली होता है यहाँ पर। झारखंड में रांची में आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जरूरत है कि आम आदमी एहतियात बरते ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन विशाल के साथ अंजलि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।